ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, वृत्तीय गति हेडिंग डाले भाई, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। अच्छा, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति को बोलते हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। हेडिंग डाल लीजिए सारे बच्चे भाई, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अच्छा सर, ये आपने एक बात बताइए सर, आपने ये वाला टॉपिक वृत्तीय गति में क्यों नहीं पढ़ाया? इनका एक बात बताओ, वृत्तीय गति में ये वाला टॉपिक आपको इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वृत्तीय गति में आपको क्या सिखाया होगा? वृत्तीय गति में सर हमें सिखाया था तनाव बल लिखना, अपकेंद्रीय बल सिखाया, फिर उसके बाद तनाव बल लिखना सिखाया होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ कि ना? पर वर्क पावर एनर्जी में कार्य ऊर्जा शक्ति के साथ इसको पढ़ाने का लॉजिक ये है क्योंकि ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति आपको तब ही आ सकती है जब आपको ऊर्जा संरक्षण करना है। क्या है? ऊर्जा संरक्षण करना है। भले आपको वृत्तीय गति नहीं आती हो पर अगर आपको तनाव बल लिखना आता है, क्या लिखना आता है? तनाव बल और ऊर्जा संरक्षण आता है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो सर कैसे, मैंने कहा देखो इधर, अगर मैं स्टार्ट करूं कि यार बताओ तनाव बल लिखना सीखते हैं, सबसे पहले छोटी छोटी बातों के साथ अपने स्टार्ट करते हैं। क्या कि मैं आपसे कहूं कि एक सर्कल है ऐसे, क्या है? एक सर्कल है सर। ओके, एक सर्कल ये रहा सर, मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। ओके, एक एक सर्कल अपन ने लिया, यस। दो सर्कल हो गए, यस सर। तीन और एक चार, चारों सर्कल अपन ने लिए। अच्छा सर, अब क्या करें? मैंने कहा अब हम क्या करते हैं, मान लो कि पहले वाले सर्कल में ऐसे एक कण था। क्या ऐसा अपन पहले भी कर चुके हैं? नहीं कर चुके हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बात बोली कि यार ये वाला जो कण है वो ऐसे है, अभी इस वाली पोजिशन में ये ऐसे घूम रहा है, हाँ, तो क्या ये सर्कल के बहुत सारे बिंदुओं से गुजरा होगा? हाँ, तो मैं कुछ बिंदु लिख देता हूं यहाँ पे। मान लो कि ये ए बिंदु है, हाँ सर, ये बी बिंदु है, हाँ सर। अरे यार इसको बी नाम नहीं देते हैं, इसको बी नाम नहीं देते हैं, इसको बी नाम देते हैं भाई। ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है, ठीक है सर। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर वस्तु कहां पर हो, ये वस्तु कहां पर हो? ये ए पर हो सर। ये वस्तु कहां पर हो? ए पर हो। कितने वेग से जा रही है? यू वेग से। कितना द्रव्यमान है कि सर एम है, तो यहां पे तनाव बल लिखो। चलो भाई लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखना स्टार्ट करो? तनाव बल, बहुत बढ़िया। फिर आपने सर दूसरा गोला क्यों बनाया, दूसरा सर्कल? मैंने कहा अब कुछ ऐसा कर दूं क्या? हाँ ऐसा कर दो सर, यहां पर, बहुत बढ़िया। दिखाई तो दे रहा है ये वाला कलर, व्हाइट ले क्या? चलो देखो 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 देखो, हाँ। अब हमने क्या किया, मैंने कहा यार यहां पर ये u वेग, v मान लो, क्या वेग? v मान लो सर। ये द्रव्यमान इसका कि m है, m द्रव्यमान। यहां पे तनाव कि t, यहां पे भी तनाव लिखना है। और मैंने कहा ये वाला कोण कितना है? थीटा है। क्या है? थीटा है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा अगर ये यहां आती कहां पर? b बिंदु पर। वेग v है, क्या ये v और ये v समान है? मैंने कहा अलग अलग है, बस v लिखा है, बहुत बढ़िया। तो इस रस्सी में तनाव निकालो, द्रव्यमान m है। मैंने कहा अब कहां पर? मैंने कहा कहीं पे पूछ लो यार, c पर पूछ लेते हैं। अब कहां पे पूछ लेते हैं? c पर। ये वस्तु या v वेग से, अब बताओ m द्रव्यमान और यहां पे तनाव लिखो। क्या सबने तनाव लिखा है? बोलो 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 फटाफट से। पहले वाले पे तनाव बल देखो सर, नीचे क्या लगेगा? मैंने कहा mg। और कुछ, और कोई बल लगेगा क्या? हाँ सर, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है तो बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और वो अपकेंद्रीय बल होता है सर, वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि एम यू स्क्वायर बाई आर। आर त्रिज्या मान लो ना। हाँ सर, तो बोलो क्या आया तनाव? सर ए बिंदु का तनाव आता है टी ए बराबर, बोलो क्या लिखूं सर? एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई आर। आया ही नहीं,
याद रखना भाई इसको। हाँ सर, अच्छा बताओ इस वाले बिंदु का लिखते हैं, लिखते हैं भाई लिखते हैं। देखो सर, नीचे एम जी, मैंने कहा इधर, इधर तो कुछ नहीं है, इनका है क्या अपकेंद्रीय बल सर, एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या ये कौन थीटा, हाँ तो इधर क्या हो जाएगा सर, एम जी कॉस थीटा। अरे तो तनाव बल क्या आएगा भाई, सर देखो एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, आया ही नहीं मेरे यार, आया क्या, अरे बोलो क्या बात समझ आई है, अरे इधर तनाव है तो इन दोनों बलों के बराबर ही होगा ना। हाँ सर, बी बिंदु पे लिखते हैं भाई, अब कहाँ पे लिखते हैं, बी बिंदु पर, नीचे सर एम जी, बताओ अब केंद्रीय बल कहाँ लगेगा सर, केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, कितना एम वी स्क्वायर बाई आर लगता है सर, अरे बोलो तो टीबी कितना आया सर, टीबी आया एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या एम जी का कोई रोल है, मैंने कहा कहाँ है रोल यार, एम जी तो सीधा नीचे लग रहा है, अरे वाह सर टीसी का बता दो अब, मैंने कहा टीसी का देखो बाहर की तरफ लगेगा, क्या क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, अरे वो तो हमेशा केंद्र के बाहर ही लगता है, हाँ सर वो तो हमेशा केंद्र के बाहर लगता है, और नीचे सर नीचे एम जी लगेगा, मैंने कहा टीसी ये लिख सकता हूँ क्या बेटा, क्या सर टीसी ये लिख सकता हूँ क्या, देखो देखो देखो, हाँ लिखो 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 लिखो, देखे क्या लिखा भाई, अरे देखो नीचे कितना सर एम जी, टेंशन भी नीचे, मैंने कहा क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्या लिखा मैंने, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, आया ही नहीं, आया ही नहीं, क्या बात समझ आई है। अच्छा सर ये तो हमें पहले ही आता था, मैंने कहा इसलिए थोड़ी बताया था कि आपको पहले आता था, इसलिए थोड़ी निकलवाया, क्यों निकलवाया सर, मैंने कहा कंपेयर करके बताओ ए बी और सी तीनों बिंदु के तनाव बलों में कंपेयर करके बताएं आप कि किस बिंदु का तनाव बल सबसे कम है, या किस बिंदु पर तनाव बल जीरो हो सकता है, ए बी सी में किस बिंदु पर तनाव बल जीरो हो सकता है, सोच के बोलना किस बिंदु पर जीरो हो सकता है सर, सी वाले बिंदु पर तनाव बल जीरो हो सकता है, कैसे कि अगर हम कंपेयर करें ए बी सी में तो सबसे कम जो तनाव बल है वो कहां का है, बिंदु सी का है, कहां का है, बिंदु सी का है। अच्छा तो अगर हम ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति को देखें, देखो 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 देखो, अगर ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति को देखूं, अगर बिंदु सी पे तनाव बल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या ये पार्टिकल क्या यही कहीं नीचे गिर जाएगा, हाँ तो क्या पूरे वृत्त में घूमेगा, नहीं नहीं आया, अगर ये ऐसे घूम रहा है और बिंदु सी पर, देखना देखना देखना, बिंदु सी पर तनाव बल क्या हो जाए, जीरो, तो ये पूरा चक्कर नहीं काटेगा, यानी कि जो न्यूनतम बल है कहाँ का, बिंदु सी का, किससे ज्यादा होना चाहिए, कौन सा बल, तनाव बल, वो किससे ज्यादा होना चाहिए सर, जीरो से ज्यादा होना चाहिए, नहीं आया, अरे किससे ज्यादा होना चाहिए, जीरो से ज्यादा, अगर जीरो हो गया रस्सी ढीली पड़ जाएगी, और रस्सी ढीली पड़ी तो ये पार्टिकल यहीं का यहीं गिर जाएगा, ऐसे नहीं आया, इसका मतलब पूरा चक्कर नहीं कर पाएगा, तो पूरा चक्कर करने के लिए क्या कंडीशन होगी सर, अगर किसी भी कण को ऊर्ध्वाधर तल में पूरा चक्कर करना है, तो जो बिंदु सी है जहां का तनाव न्यूनतम है, वो न्यूनतम तनाव बल किससे ज्यादा होना चाहिए, जीरो से, नहीं आया, तो कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी कण को, इस पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करना है ऊर्ध्वाधर तल में, तो न्यूनतम तनाव बल किससे ज्यादा होना चाहिए, जीरो से, पूरा, अरे क्या, पूरा चक्कर करने के लिए, पूरा चक्कर करने के लिए, करने के लिए क्या भाई, पूरा चक्कर करने के लिए क्या कहानी है कि सर देखो पूरा चक्कर करने के लिए क्या कहानी है कि जो टी मिनिमम है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए,
अब मुझे एक बात बताओ, टी मिनिमम कहाँ का है, न्यूनतम तनाव बल कहाँ का है, कि बिंदु सी का, अरे किसका, बिंदु सी का, यानी कि टी मिनिमम किसके बराबर है, टी सी के। ये कंडीशन बना दी अपन ने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कण को रस्सी से बांध दिया जाए और ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाए, कैसे घुमाया जाए, ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाए ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ये पूरा एक चक्कर करना चाहता है तो बिंदु सी का जो तनाव बल है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, जीरो से। अच्छा सर, यहाँ इक्वलिटी भी लगाते हैं, इक्वल का साइन भी लगाते हैं, मैंने कहा उसकी बात समझाएंगे, क्यों लगाते हैं उसका एहसास कराया जाएगा। पहले यहां तक बात समझ आई क्या, टी मिनिमम ग्रेटर देन जीरो, हाँ, इक्वल टू भी लगाएंगे, उसकी बात समझाऊंगा मैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कि अगर आपसे मैं कहूं कि एक कण है जो आर त्रिज्या की एक रस्सी से बांध दिया एम द्रव्यमान का, और इसको यू वेग दिया जाए, क्या दिया जाए भाई, यू वेग, और आपसे कहा जाए कि ये क्या करे, एक चक्कर पूरा करे, तो U का कम से कम कितना मान होना चाहिए, U का मान बताओ, क्या बताओ, U का मान बताओ, एक क्वेश्चन के थ्रू ही इसको अपन लेते हैं, U का क्या मान हो, क्या मान हो कि एक चक्कर पूरा करे, न्यूनतम मान पूछा है ना, अधिकतम होगा तो यार कितने ही चक्कर कर सकता है। हाँ सर, तो कैसे निकालेंगे भाई, अब बात आती है क्या कि कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको तनाव बल लिखना आता है सर, क्या ऊर्जा संरक्षण नियम लगाना आता है, हाँ सर बहुत अच्छे से सीखा था हमने ऊर्जा संरक्षण लगाना, मैंने कहा फिर घबराने की जरूरत नहीं है, देखो क्या, मैंने कहा ये गोला, ठीक है सर, मैंने कहा इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, r दूरी, r त्रिज्या का एक गोला बांध दिया अपन ने u वेग से m द्रव्यमान का, ठीक है सर, कहां पर a बिंदु से चलना स्टार्ट करता है u वेग से, और जब ये कहां पहुंचे c बिंदु पर, तो c बिंदु पर क्या इसका वेग बदलेगा, यस सर वेग बदलेगा इसका c बिंदु पर, कितना हो जाएगा सर, v हो जाएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसका वेग v हो गया, यस सर, त्रिज्या तो R ही है सर, क्या टेंशन, T है सर, क्या एक बात बताओ, बिंदु C का तनाव बल ज्यादा होना चाहिए जीरो से कि, हाँ सर, तो बिंदु C का तनाव लिखो भाई, बिंदु C का तनाव लिखेंगे भाई सारे बच्चे, बिंदु C का तनाव लिखना आता है, आता है सर, मैंने कहा बोलो तो फिर, सर देखो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई r, आपने सिखाया था सर अभी, T बराबर क्या, बोलो T C का क्या सर, mv स्क्वायर बाई r माइनस mg, आया ही नहीं, और कंडीशन क्या कहती है एक चक्कर पूरा करने की, सर TC का मान ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मैंने कहा बहुत बढ़िया, कंडीशन तो लगा देंगे अभी, यहां से लेकर यहां तक, A से लेकर C तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मान लो कि यहां पर कंडीशन लगाई कि TC पूरा चक्कर करने के लिए ग्रेटर देन जीरो, यानी कि आपने कहा कि MV स्क्वायर बाई R माइनस MG ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू लाई नहीं रहा अभी, इक्वल टू लाया जाएगा, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा लेक्चर के एंड तक कि इक्वल टू क्यों लगाते हैं, कहां लगाते हैं और कहां नहीं लगाते, अभी सिर्फ मैं ग्रेटर देन की बात कर रहा हूं, किताबों के अंदर सर ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, मैंने कहा क्यों होता है उस बात का एहसास होगा, सुने। अच्छा अब सर ये v हमें तो u का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, u का मान चाहिए, तो सर हमें v कैसे पता चलेगा, मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक ऊर्जा संरक्षण लगाओ, A से लेकर C तक ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण क्यों सर, मैंने कहा एक बात बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई और दूसरा बल है क्या, हाँ है सर, मैंने कहा कौन सा बल, कि सर तनाव बल तो है, मैंने कहा तनाव बल का कार्य कितना है, जीरो, अरे विस्थापन और तनाव बल एक दूसरे के लंबवत है भाई हर समय, हाँ तो ऊर्जा संरक्षण A से C तक, ठीक है, ए बिंदु पर बात करें मैं स्थितिज ऊर्जा यहीं जीरो मान लूं क्या, यस सर स्थितिज ऊर्जा कहीं पे भी जीरो माननी पड़ेगी, हाँ सर सिखाया था, तो
तो यहां जीरो मानी तो स्थितिज ऊर्जा जीरो प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। बहुत बढ़िया, स्थितिज प्लस गतिज। बात करते हैं ऊपर की, हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज। अरे कितनी हाइट ऊपर गया ये कण, 2R। अरे कितना यहां से, 2R, तो mgh होगा। तो क्या 2mgr लिख दू, h की वैल्यू कितनी सर, 2R। बहुत बढ़िया, अब क्या किया जाए भाई, आपको नजर आ रहा होगा कुछ तो यार, आ तो रहा है सर। मैंने कहा पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। सर देखो 2mu स्क्वायर है ना, मैंने कहा 2 से 2 कट गया ना यार, mu स्क्वायर ठीक है इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये भी सही है, प्लस 4mgr। बहुत बढ़िया, एम वी स्क्वायर का मान यहां रख दो, यहां यहां पर कैसे रखेंगे भाई, कि सर देखो एम वी स्क्वायर का मान आया एम यू स्क्वायर माइनस 4mgr। अरे तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया, बहुत सारे बच्चों का तो आंसर आ ही गया होगा, इस मान को यहां रखो। इलेवंथ में तो कहानी ठीक है, जब आप ट्वेल्थ में चले जाओगे, अभी सिर्फ ये गुरुत्वीय बल के प्रभाव में क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है ऊर्ध्वाधर तल में। जब स्थिर वैद्युतिकी पढ़ाई जाएगी तब वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाएगा, तब गुरुत्वीय बल भी होगा और वैद्युत क्षेत्र भी होगा, और फिर पूछा जाएगा कि अब बताओ यू का क्या मान होगा। सर वैद्युत क्षेत्र को कैसे भी लगाया जा सकता है, मैंने कहा हाँ किसी भी दिशा में हो सकता है, नीचे की दिशा में लगा दिया जाए, हो सकता है क्षैतिज दिशा में, हो सकता है ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो आपको पूरा प्रोसेस आना चाहिए, तब जाके ट्वेल्थ के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अरे वाह, ये मान रखो यहां पर भाई, जब ये मान रखे हमने सर, तो मान क्या रखा सर हमने, देखो यहां पर एम यू स्क्वायर माइनस 4mgr रख दो यहां, ठीक है रख रहे हैं सर। मैंने कहा एम यू स्क्वायर माइनस 4mgr अपोन आर, यस सर, माइनस कितना mg ग्रेटर देन जीरो। देखो तो देखो, देखो 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 देखो, सही लिखा, हाँ सर, r से एलसीएम लेके उधर भेज दो, तो सर देखो एम यू स्क्वायर माइनस 5mgr आया ही नहीं मेरे यार, आया ग्रेटर देन जीरो। सर m को भी कॉमन लेके भेज दिया तो u ग्रेटर देन रूट 5gr। अरे क्या किताबों में लिखा होता था, हाँ सर, पर किताबों में सर इक्वल टू भी लगा होता था, मैंने कहा रुक जाओ, इक्वल टू की बात करने वाले हैं अभी। यानी कि अगर किसी भी कण को जो रस्सी से बांध दिया जाता है, और अगर मैं उसको क्या घुमाऊं, वृत्तीय पथ में घुमाऊं, तो कम से कम कितना वेग देना पड़ेगा, रूट 5gr।